साथियों नमस्कार, मैं बॉबी कुमार आज आपके बीच एक मुख्य विषय को लेकर लाइव आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने जो ऊपर टैगलाइन डाली है उसमें आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग है उनकी और यहाँ बाहरी प्रदेशों के जो अधिकारी हैं उनकी कार्यप्रणाली क्या है। आप आज बिल्कुल गौर से सुनिएगा इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो PCS है वो अब 6 वर्षों बाद निकला था और अन्य प्रदेशों में, वो चाहे आप पड़ोसी राज्य ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, इन प्रदेशों में प्रत्येक वर्ष PCS की परीक्षा होती है। पर उत्तराखंड में हाल ये है कि उत्तराखंड में 5-6 साल बाद तो PCS की परीक्षा देने का यहाँ के युवाओं को मौका मिल रहा है और आयोग की तानाशाही और बाहरी प्रदेशों के जो यहाँ अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं उनकी तानाशाही या उनकी कार्यप्रणाली हम कह सकते हैं अपने लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए किस हद तक वो गिर जाते हैं, ये मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी PCS फ्री हुआ था, उसका रिजल्ट अभी पिछले माह निकला। रिजल्ट निकलने के बाद उसमें कितनी खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के लिए ना तो लोक सेवा आयोग सुनने वाला था, ना यहाँ की सरकारें सुनने वाली थी, ना यहाँ का मुख्यमंत्री सुनने वाला था। मैं आपके सम्मुख ये बात रखना चाहता हूँ कि क्यों यहाँ के छात्रों के सर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जब पिछले माह इसका रिजल्ट निकला था प्री का, उसके बाद इतनी खामियां थी कि किसी ने संज्ञान नहीं लिया, मजबूरन छात्रों को कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़े और कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में क्या होता है, एक लंबा प्रोसेस तो हम मानेंगे नहीं, 1 महीने के अंदर अभी कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि ठीक है, जिन अभ्यर्थियों को, जैसे एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थी थे, उनको मौका दिया जाए। तो 29 जुलाई 2022 को उन्हें मान्य ठहराया जाता है कि आप भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और आज 1 तारीख है, 29, ये 3 दिन है। और मजे की बात यह है कि 20 तारीख से जो हैं मुख्य परीक्षा करवाना शुरू कर रहे हैं। अब ये उत्तराखंड का युवा या उत्तराखंड के लोग, जो लोग उत्तराखंड के लिए लड़े थे, जो लोग उत्तराखंड बनाने के लिए लड़े थे, ये उन लोगों को समझनी चाहिए कि क्या 7 विषय जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं उन विषयों की तैयारी 20 दिन में करना कोई कर पाएगा? हम मानते हैं कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, परंतु वो इस स्थिति में रिवीजन होता यदि हर साल यहाँ PCS निकलता। हमारे उत्तराखंड के छात्र 5 साल बाद तो PCS की परीक्षा दे रहे हैं और अन्य जो बाहरी प्रदेशों के छात्र जो इस PCS परीक्षा में सम्मिलित होंगे वो हर साल PCS परीक्षा दे रहे हैं अपने प्रदेशों में। उनकी हैबिट है लिखने की, वो तैयार बैठे हुए हैं, उनके लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जल्दीबाजी की जा रही है। मैं खुद चैलेंज करता हूँ आयोग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव को कि आप 20 दिन के अंदर ऐसे जो 7 विषय हैं, जो इतना भरकम जो यहाँ पर जो सिलेबस है उसकी तैयारी करके आप दिखाइए। आप 20 दिन के अंदर इन विषयों को रिवीजन करके आप परीक्षा में बैठिए। मतलब कुछ भी अंधेर गर्दी चल रही है यहाँ का, हर छात्र मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहा है, यहाँ का हर संगठन मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहा है, यहाँ का जो पीड़ित अभ्यर्थी है वो मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहा है, सरकारों को लेटर लिख रहा है, DM के माध्यम से लेटर दे रहे हैं, परंतु उसका कोई संज्ञान नहीं लेंगे। परंतु जो ये कार्य प्रणाली उत्तराखंड में शुरू कर रखी है उत्तराखंड को लूटने के लिए भारी प्रदेश के जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं। इस बात को जब तक नहीं समझोगे तब तक उत्तराखंड का भला नहीं होने वाला। हर संगठन अपने माध्यम से कोशिश कर रहा है कि PCS की परीक्षा के लिए कम से कम 2 महीने का टाइम तो दिया जाए, परंतु नहीं देंगे। तो मैं यहाँ के युवाओं को भी कहना चाहता हूँ और उनके अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपके साथ ये नाइंसाफी करें इन लोगों को सबक सिखा देना चाहिए। ऐसे लोगों को सड़कों पर खींचना चाहिए, समय जब आता है तो इनको सबक सिखाना चाहिए। इसमें
2 महीने की अगर टाइम मांग लिया था उत्तराखंड के छात्रों ने कि अभी आपने 29 तारीख को उन्हें मेंस में शामिल किया है, अब 29 तारीख को उन लोगों को पता लग रहा कि भाई आप भी मुख्य परीक्षा के लिए वैलिड हो, अब 20 दिन में वो कैसे इतने 7 सब्जेक्ट जो आते हैं, और मैं कह देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या राजस्थान हो, कोई सा भी राज्य हो, जो अन्य राज्यों की PCF की मुख्य परीक्षा होती है, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस है, उसके बाद भी 20 दिन में ये चीज़ें करवाना असंभव है, परंतु संभव इसलिए है कि लोग यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों ने लोगों के हाथों में ये पावर दे दी है, उत्तराखंड के लोगों ने गलत हाथों में ये पावर दे दी है, जो ना तो सुनने वाले हैं, जो चाहते हैं कि ठीक है उत्तराखंड का बच्चा बाहर होता है तो बाहर होता है, हमारे अपने परिचित, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी भाई भतीजे वो आएंगे इस परीक्षा में शामिल होंगे, यहीं पर वो PCS निकाल के उत्तराखंड में नौकरी करेंगे। उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि कौन नहीं आना चाहेगा, परंतु ये जिस षड्यंत्र के तहत हमारे युवाओं को अनदेखा किया जा रहा है, हमारे युवाओं को मुख्य परीक्षा से पहले ही, मुख्य परीक्षा से बैठने से पहले ही उनके जो उन्हें भार किया जा रहा है, उनके सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है, इसका जवाब देगा कौन? क्या ये तानाशाही, जो ये ब्यूरोक्रेट जो इतना हावी हो गया है कि यहाँ की सरकारों की नहीं सुन रहा है, क्या यहाँ की सरकारों को ये नहीं सोचना चाहिए कि आजकल बरसात का इतना मौसम है कि कहीं भूस्खलन हो रहे हैं, कहीं सड़कें टूटी हुई है, हमारे प्रदेश का युवा कहाँ कहाँ से पेपर देने आएगा, क्या इसकी इस संबंध में कोई विचार नहीं किया है? करेंगे भी नहीं, क्योंकि आप लोग भी इसमें मिले हुए होते हैं। यह दुर्भाग्य है हमारा उत्तराखंड के युवाओं का, हम सबका दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बिठाए हैं जो निकम्मे हैं, जो ये कोशिश नहीं कर सकते हैं कि कम से कम हमारे युवाओं को तो कम से कम वो समय मिल जाए जो एक किसी परीक्षा को देने के लिए एक सही समय हो। मैं कहना चाहूँगा कि इस परीक्षा में अभी भी समय है, इस डेट को आगे बढ़ाकर कम से कम उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड के युवाओं के हित में ये डिसीजन देना चाहिए कि कम से कम ये जो डेट है ये 2 महीने आगे बढ़े। हमने आज भी कोशिश की थी, आज हमें समय नहीं मिल पाया है, हमने ये लेटर लिख रखे हैं, राज्यपाल महोदय के नाम लेटर है, मुख्यमंत्री महोदय के नाम लेटर है, आयोग के अध्यक्ष के नाम लेटर है, हम कल इस लेटर को भी भेज देंगे। अगर उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के युवाओं का हित चाहती है तो मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम 2 महीने का समय मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए दिया जाए, और अगर नहीं चाहते हैं तो ठीक है, जो आपने तय कर लिया है कि 5 तारीख से एडमिट कार्ड जारी होंगे तो आप कर लीजिए, आप अपनी मर्जी कर लीजिए, हम भी दिखाएंगे कि युवाओं की शक्ति क्या होती है और युवा कितना आपको आगे समर्थन करता है या युवा कितना आपका आगे विरोध करता है। मैं ये कह देना चाहता हूँ, हम हर समय युवाओं के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। अभी बारी UKSSC की थी और देखिए जल्दी UKPSC की भी बारी आने वाली है, जो इस तरह के तानाशाही रवैये के जो अधिकारी है इनके खिलाफ पूरा मोर्चा खोला जाएगा, इनके खिलाफ पूरा उत्तराखंड सड़कों पर लाया जाएगा, फिर देखते हैं कौन इन्हें नेता बचाता है, कौन सरकारें बचाती है। हम फिर से गुहार लगाते हैं कि इस परीक्षा को कम से कम 2 महीने आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो मेहनत कर पाए, कहीं कहीं ना कहीं उस दौड़ में तो आ जाए कि कम से कम एक पहाड़ी प्रदेश के जो यहाँ पर युवा जो बैठेंगे परीक्षा में, और ये हमारे प्रदेश के जो उत्तराखंड के युवा बैठेंगे वो कम से कम एक रेस में तो आ जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए, और ये हर प्रदेश के हजारों युवाओं की ये गुहार है, क्योंकि मुझे दिन रात कॉल आ रहे हैं इस संबंध में कि ये परीक्षा आगे बढ़नी चाहिए, और बढ़नी भी चाहिए, 20 दिन में कौन मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेगा। तो साथियों, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं को ये सरकार अवसर दें और 2 महीने ये तिथि आगे बढ़ाए, यदि नहीं बढ़ाती है तो हम भी मान लेंगे ठीक है, उत्तराखंड में जो ब्यूरोक्रेट्स है वो बहुत हावी है,
यहाँ ना तो युवा मुख्यमंत्री की चलती है, ना प्रचंड बहुमत के सरकार की चलती है, ना डबल इंजन की चलती है, ये हम भी मान लेंगे, परंतु उसके बाद नतीजे क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री संज्ञान ले, आयोग के अध्यक्ष संज्ञान ले इस बात का, और अगर संज्ञान नहीं लिया तो फिर हम भी उस तरीके से आगे एक्शन लेंगे। जो भी है, इस परीक्षा में हमारे युवाओं को थोड़ा समय मिलना चाहिए, किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, कल हम इस संबंध में ये ज्ञापन भी तीनों लोगों को प्रेषित करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे, अपने ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ ये समय आगे बढ़े, परंतु करना ना करना सरकार और आयोग के हाथ में है। यदि वो करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी करते हैं तो इन इसके बारे में भी सोचा जाएगा कि इनके खिलाफ़ क्या किया जाए। तो दोस्तों, मैं विदा चाहता हूँ अभी आप लोगों से, सभी को जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।